राजस्थान के जोधपुर के एक अस्पताल में यूट्यूब से प्रक्रिया सीखने के बाद एक लैब अटेंडेंट द्वारा मरीज पर ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्कैन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पावटा के सैटेलाइट अस्पताल में अटेंडेंट को अपने फोन पर यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हुए मरीज पर ECG करते हुए दिखाया जा रहा है। मरीज और उसके परिवार द्वारा बार बार डॉक्टर या योग्य स्टाफ की मांग करने के बावजूद अस्पताल के कर्मचारी ने ECG करना जारी रखा। ऐसा लगता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। घटना का वीडियो रिकॉर्ड होने के दौरान भी वो व्यक्ति चुपचाप यूट्यूब ट्यूटोरियल देखता रहा, जो उचित चिकित्सा प्रोटोकॉल के प्रति चौंकाने वाली उपेक्षा दर्शाता है। हेलो, आज अब आपको पॉइंट का पता नहीं क्यों कर रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी। अभी आपने वो यार नेट पे देख के कैसे करोगे ECG? भैया नॉलेज नहीं है, आप करवाओ तो आपकी मर्जी है। मैं खुद उठा हूँ यहाँ से, अभी इन भैया को नॉलेज ही नहीं, बेचारे ये खुद बोले मैं पहली बार कर रहा हूँ ECG, कभी हाथ ही नहीं दिया इन्होंने। फिर भी यहाँ ठीक है, इनकी ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गलत है। वीडियो फिल्माने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि नर्सिंग स्टाफ भी इसमें शामिल है। इस बीच अटेंडेंट ने स्वीकार किया कि उसे ECG करना नहीं आता, लेकिन बताया कि चूंकि दिवाली के कारण कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए उसे खुद ही प्रक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद BS जोधा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि घटना की जाँच की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। के पावटा सैटेलाइट अस्पताल का जिसमें यूट्यूब से देखकर इलाज किया जा रहा है, क्या है? नहीं, जैसे कि था कि आज हमारे सुबह जो ECG करने वाले टेक्नीशियन थे, उनके हस्बैंड की अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो ड्यूटी पे नहीं आए, उन्होंने छुट्टी ली, तो इसलिए हमने वार्ड से जो नर्सिंग स्टाफ बुला के ECG के लिए नीचे लगाया था, क्योंकि वार्ड में भी ये जो ECG है वो नर्सिंग स्टाफ ही करता है। वो नर्सिंग स्टाफ ECG कर रहे थे, गलती से कमरा का दरवाज़ा जो है ECG रूम वो खुला रह गया, तो साथ वाला आदमी अंदर घुस गया उसके बाद वाला, और कोई किसी वो वीडियो बनाने लग गया, जबकि वो ECG जब नर्सिंग स्टाफ कर रहा था तो उसको ECG करते बटन दबाने पे प्रिंट नहीं आ रहा था, तो उसने वो वीडियो में ये देखा कि ग्लिच क्यों आ रहा है बार बार, प्रिंट दबाने पे प्रिंट क्यों नहीं आ रहा, तो उसने वीडियो में देखे BPL मॉडल की मशीन थी, तो वो ग्लिच दूर हो देख के उसने सेटिंग सही की तो प्रिंट आ गया, तो 3 मिनट में उसने उसको वो दे दिया। पर जो वीडियो बना रहा था वो बार बार कह रहा था कि लैब टेक्नीशियन को बुलाओ, जबकि ये सभी को मालूम है कि लैब टेक्नीशियन ECG करने का काम नहीं करते, लैब टेक्नीशियन लैब में काम कर, तो ये घटना हुई। सर, इसको लेके जिस तरह से ये कोई भी अस्पताल में इस तरह से नर्सिंग कर्मचारी ECG कर लेते हैं, ECG का क्या कुछ मरीज पे इफेक्ट रहता है? नहीं, ECG तो देखो ECG टेक्नीशियन करते हैं, और जब वार्ड वगैरह होते हैं तो हमारे पास 3 ECG टेक्नीशियन हैं, बाकी वार्ड में किसी को चेस्ट पेन हो तो वार्ड में भी यही ECG हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वही ECG करता है। अच्छा। और अगर ECG करने के बाद अगर ECG गलत नहीं होती तो कराने वाले डॉक्टर को पता चल जाता है कि ECG की सेटिंग गलत है। अच्छा। वो वेव्स को देख के उसने वीडियो में जैसे बोला गया था, हाँ। मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं ECG कर रहा हूँ, तो इससे कुछ मरीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता सर? फर्स्ट टाइम अगर किसी पर्सन को नॉलेज ना हो और वो ECG कर लेता होगा? नहीं, वो उनका कहने का ये मतलब था कि ECG तो जो है नर्सिंग स्टाफ कोई भी कर सकता है, बस सेटिंग सही होनी चाहिए, तो कोई भी कर सकता है। नहीं, वो व्यक्ति जैसे वीडियो में खुद कह रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम मैं ये ECG कर रहा हूँ, तो ये कहाँ तक सत्य है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ECG तो इमरजेंसी में सभी करते हैं, बट ये है कि सेटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फिर तो कोई भी कर देगा ECG। नर्सिंग स्टाफ तो करते ही इंजेक्शन भी लगाते हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।